फर्स्ट मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम आपको बताने जाएंगे वर्बी कंपोस्ट ऑक्यूपेशन से जुड़ी हुई लगभग हर चीजों के बारे में जो प्रारंभिक जानकारियां हैं उसको आपके साथ साझा करूंगा, बताऊंगा एक 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 करके सारे बताऊंगा। सबसे पहली बात, कोई भी वर्मी कंपोस्ट प्रोड्यूसर होता है तो उनको ये बात समझ में आती है कि चलो वर्मी कंपोस्ट तो बना रहा हूं, लेकिन जब वो इस ऑक्यूपेशन में आते हैं तो बहुत तरह के शब्दों से उनको रूबरू होना पड़ता है। जैसे क्या है वर्मी कंपोस्टिंग, क्या है वर्मी कल्चर, क्या है वर्मी वास, क्या है। तो वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? वर्मी कंपोस्टिंग है अर्थवर्म द्वारा ऑर्गेनिक डिबेरीज को खिलाने की प्रक्रिया, इसको हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग प्रोसेस से होता क्या है, जो ऑर्गेनिक डिबेरीज होती है उसको अर्थवर्म खाता है और खाके उसको एक्सक्रीट करता है। एक्चुअली हम उसके एक्सक्रीट को कलेक्ट कर लेते हैं उसमें, और वह जो एक्सक्रीट होता है, एक्सक्रीटा होता है, वही होता है वर्मी कंपोस्ट, जो चाय पत्ती के दाने की तरह होती है। और वर्मी कल्चर जो होता है वो साथ में होने वाला प्रक्रम होता है, इसमें कुछ खास नहीं होता है। जैसे जब हम ऑर्गेनिक डिबेरीज में केचुए को डालते हैं, जैविक कचरे में या गोबर में जब हम केचुए को डालते हैं तो उससे खाद तो बनता ही है, साथ ही साथ उसमें वो मल्टीप्लाई भी करता है, उसमें अपना उसका अदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के साथ साथ उसका रिप्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाता है, और इसी रिप्रोडक्शन के क्रम में अर्थवर्म्स संख्या में बढ़ते जाते हैं। अर्थवर्म्स की संख्या में बढ़ना ही वर्मी कल्चर हुआ। अगर हम सिर्फ वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए ही काम करते हैं तो हम उसको वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं कहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है प्रोड्यूसर्स के पास अर्थवर्म्स की डिमांड ज्यादा आ जाती है। तो अर्थवर्म्स की जब डिमांड ज्यादा आ जाती है तो वो सेंटर्ड हो जाता है कि हमें अर्थवर्म चाहिए ही चाहिए। ऐसे में वो यह ध्यान देता है कि जैसे ही थोड़ी सी संख्या बढ़ गई तो वो ओल्ड अर्थवर्म्स को उसमें से निकाल लेता है या यंग अर्थवर्म्स को उसमें से निकाल लेता है और निकाल करके उसको शेल कर देता है। प्रायः यही एक्टिविटी शायद वर्मी कल्चर के साथ जुड़ी हुई है। अब तो इतना क्लियर हो गया वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, वर्मी कल्चर क्या है, इसमें डेफिनेशन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, कोई किसी प्रकार का इसमें भ्रम नहीं होना चाहिए। अगर मैं वर्मी कंपोस्टिंग कह रहा हूं तो उसका मतलब है वर्मी कंपोस्ट के प्रोडक्शन से, अगर मैं वर्मी कल्चर कह रहा हूं तो उसका अर्थ होता है अर्थवर्म के प्रोडक्शन से। और वर्मी वास, ये तीसरा शब्द प्रायः जुड़ा हुआ रहता है। वर्मी वास क्या होता है, यह वर्मी कंपोस्ट बनाने के क्रम में जो उसका लीचेट होता है उसको संग्रह कर लिया जाता है। एक्चुअली वही लीचेट जो होता है उसको हम वर्मी वास के नाम से जानते हैं। वर्मी वास एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, इम्पॉर्टेंट इन सेंस न्यूट्रिएंट के सेंस में या प्लांट के ग्रोथ के सेंस में यदि हम देखें तो वर्मी वास आजकल बहुत महत्व पा गया है, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी इसमें आ गए हैं, जिससे कि यह पता चलता है कि वर्मी कंपोस्ट से कई गुना ज्यादा उसमें फायदा है। वर्मी वास के बारे में मैं आपको और बता दूं कि इसको हम पौधों के लिए एक बहुत सुंदर टॉनिक कह सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको प्लांट टॉनिक के भी नाम से जानते हैं और कुछ पैकेट्स हैं, कुछ ऐसे फॉर्मुलेशंस हैं जो मार्केट में भी अवेलेबल है। इसका फॉलियर स्प्रे भी किया जाता है। यह यदि हम साइंटिफिकली बात करें तो वर्मी वास में होता क्या है, वर्मी वास एक्चुअली एक प्रकार का मिक्सचर होता है। मिक्सचर क्या होता है कि इसमें सिलोमिक फ्लड रहता है, म्यूकस रहता है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स रहते हैं, नाइट्रेट, फॉस्फेट, पोटाश, NPK, इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो कि उसमें घुलित अवस्था में पाए जाते हैं, और इन सारे चीजों का जो मिक्सचर होता है वो इसको एक सुपर थिंग बना देता है, बहुत सुपर न्यूट्रिटिव कंपाउंड एक रेडी कर देता है जो कि प्लांट्स के लिए कई प्रकार से
इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज के ऑर्गेनिक युग में, मैं ऑर्गेनिक युग इसलिए बोल रहा हूं कि आजकल लोग केमिकल फर्टिलाइजर से दूर होकर के ऑर्गेनिक कल्टीवेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो इस युग में इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है और हमारे साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च करके उसको ऑथेंटिकेट करने का काम किया हुआ है। एक्चुअली होता क्या है कि अगर कोई मुंह से यूं ही कह दे कि ये करने से ऐसा फायदा होता है, ऐसा करने से ऐसा फायदा होता है, तो लोगों को विश्वास थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर उसी फैक्ट को, उसी चीज को अगर कोई साइंटिस्ट ऑथेंटिकेट करता है, अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप करता है, फिर उस पर वो अपने रिसर्च पब्लिकेशन करता है, तो वो ऑथेंटिकेशन हो जाता है कि नहीं, ये चीजें वैलिड सोर्स से आई हैं, और अगर कोई कह रहा, साइंटिस्ट कह रहा है, तो वो सही बात कह रहा है। अब होती है इसकी क्वालिटी कैसी हो सकती है, क्या कहीं का भी बना हुआ वर्मीवास एक जैसा हो सकता है, हर जगह का बना हुआ वर्मीवास एक जैसा हो सकता है, तो नहीं, इसका उत्तर है नहीं। क्योंकि वर्मीवास की जो क्वालिटी है वो फीडिंग क्वालिटी ऑफ अर्थवर्म के ऊपर डिपेंड करती है कि हमने अर्थवर्म को खाने के लिए क्या दिया हुआ है। दूसरी बात कि अर्थवर्म की किस स्पेसिस को मैंने यूटिलाइज किया है, यूज किया हुआ है। तीसरी बात, क्लाइमेट कैसा था। चौथी बात कि उसे कब तक स्टोर किया गया। ये सारी चीजें हैं, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इसको हम बोलते हैं, तो इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि उस वर्मीवास की क्वालिटी क्या होगी। इसलिए क्वालिटी के बारे में हमें कंफर्म हो जाना है। दूसरी बात कि अब है कि वर्मीवास कैसा कैसा रोल प्ले करता है, क्या है इसके इंपॉर्टेंस, थोड़ा सा जान लेते हैं। पहली बात कि ये प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करता है, ये रूटिंग प्रोसेस को इनिशिएट कराता है, प्रारंभ कराता है, रूट में ग्रोथ कराता है, पौधे की जड़ों में वृद्धि कराता है, पौधों में ये वृद्धि कारक होता है, ग्रोथ के रेट को ये बढ़ाता है, और उसके साथ साथ क्रॉप की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, खेतों की पैदावार बढ़ जाती है, या पौधे की यदि हम वुड प्लांट में डालते हैं तो उसके वुड कंटेंट की मात्रा बढ़ जाती है। इसके साथ ही सॉयल के ऑर्गेनिक मैटर में भी वृद्धि हो जाती है और सॉयल के न्यूट्रिएंट में भी वृद्धि हो जाती है। इसके साथ साथ इसके बहुत सारे एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल ये गुण देखने को मिले हुए हैं डिफरेंट क्रॉप्स पे, सॉयल में, और सबसे बड़ी बात ये हर प्रकार के पैथोजेंस में और पेस्ट को कंट्रोल करने में, उसको दबाने में सहायक होता है। वर्मी कंपोस्ट इन कंपैरिजन टू अदर कंपोस्ट। अब है कि अर्थवर्म के बारे में हम जान लें कि आजकल के युग में जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, जैव अपघटनीय कचरा, जैव अपघटनीय कचरा ने आज बायोलॉजिकल साइंस में बहुत ज्यादा महत्व पाया है और किसानों ने इसका भरपूर फायदा उठाया है और उठा रहे हैं, उम्मीद है आगे भी उठाएंगे। इसका यदि हम अर्थवर्म का फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच यदि कहें तो हमारे आदरणीय डार्विन जी ने 1881 ईस्वी में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिससे कि मामला प्रकाश में आया हुआ था। मैंने अपने एड वाले वीडियोज में बताए थे कि अर्थवर्म्स सदियों से किसानों का भला करते चले आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ऑर्गेनिक डेबेरिस को खाते हैं, साथ में सॉयल को खाते हैं, उसको सोल्युबलाइज करते हैं, मिनरलाइज करते हैं, उसको स्टेबलाइज करते हैं, और उससे खेतों की पैदावार बढ़ जाती है। और इसी गुण को शायद डार्विन ने देख लिया था और फिर बाद के साइंटिस्ट ने, बाद के लोगों ने उसे वर्मी कंपोस्टिंग का फॉर्मुलेशन किया। अब बताते हैं इसकी क्वालिटी साधारण वर्मी कंपोस्ट, सॉरी साधारण फार्मयार्ड मैन्योर से वर्मी कंपोस्ट का तुलना कैसे हम कर सकते हैं। हम जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स देखते हैं
या एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स हमारे जो दिखाती है वो ये बताती है कि जो वर्मी कंपोस्ट है वो सामान्य फार्मयार्ड मैन्योर के तुलना में 6 से 8 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फार्मयार्ड मैन्योर में माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम बहुत कम होता है। माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम क्यों कम होता है? माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम इसलिए उसमें कम होता है क्योंकि वह एनेरोबिक फेज से गुजरता है, और जब वह एनेरोबिक फेज से गुजरता है तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है उस हीप का। ये नॉर्मली 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, या कभी कभी कुछ लिटरेचर्स बताते हैं कि उस हीप का टेम्परेचर, उस ढेर का टेम्परेचर तापक्रम 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, और ऐसे में बहुत सारे बेनिफिशियल माइक्रोब्स मर जाते हैं। अगर कुछ बच भी जाते हैं तो आगे उनकी वृद्धि के लिए सिर्फ कार्बन और नाइट्रोजन सोर्स उसमें प्रमुखता से रह जाते हैं। इस प्रकार उसमें कोई माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं करता है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट के साथ स्थिति अलग होती है। वर्मी कंपोस्ट में एक होता क्या है कि उसका प्रत्येक दाना म्यूकस मेम्ब्रेन से एनवेलप, कुछ सिलोमिक फ्लड्स भी होते हैं, फ्लूइड्स भी होते हैं, जिससे कि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसकी ऊपरी परत पर आ जाता है। यही नहीं, वह जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो कुछ स्पंजी नेचर का होता है, जिस और स्पंजी नेचर होने के कारण वह हाइग्रोस्कोपिक भी होता है। हाइग्रोस्कोपिक होने के कारण वो वातावरण से नमी को भी ऑब्जर्व करता है कुछ मात्रा में, और जब वो नमी को ऑब्जर्व करता है तो वो एक अलग प्रकार का फायदा देता है। और यह जो म्यूकस मेम्ब्रेन है यह माइक्रोब्स को बहुत लंबे समय तक सतत रूप से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। तो एक तो न्यूट्रिएंट के अर्थवर्म के गट कंटेंट से निकलता है, तो इसमें उसके सलाइवा भी आती है और उसी के साथ ये म्यूकस मेम्ब्रेन निकलता है, तो ये दोनों मिल करके ये अर्थवर्म की क्वालिटी, अर्थवर्म कंपोस्ट अर्थात वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी को कई गुना बढ़ा देती है। अगर हम केमिकल एनालिसिस की तुलना करें तो हम बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं। जैसे न्यूट्रिएंट में हम देखें तो नाइट्रोजन का परसेंटेज वर्मी कंपोस्ट में 1.6 रहता है, तो फार्मयार्ड मैन्योर में सिर्फ 0.5 होता है। फॉस्फेट की बात करें तो वर्मी कंपोस्ट में 0.7 होता है, और फार्मयार्ड मैन्योर में यानी घर के बने हुए गड्ढे वाली खादों में 0.2% होता है। अगर हम पोटास की बात करें तो 0.8% वर्मी कंपोस्ट में होता है और 0.5% फार्मयार्ड मैन्योर में होता है। कैल्शियम की बात करें तो 0.5 वर्मी कंपोस्ट में है, 0.9 फार्मयार्ड मैन्योर में है। मैग्नीशियम में कोई अंतर नहीं है, फेरस में थोड़ा सा अंतर है, मैग्नीशियम में भी तो 96 वर्मी कंपोस्ट में है तो 69 ppm फार्मयार्ड मैन्योर में है। जिंक की बात करें तो फिर कंसिडरेबल अमाउंट हमको देखने के लिए मिलता है, 24.5 है वर्मी कंपोस्ट में और 14.5 है फार्मयार्ड मैन्योर में। उसी प्रकार से अगर हम कॉपर की बात करें तो 5 है वर्मी कंपोस्ट में ppm और फार्मयार्ड मैन्योर में है 2.8। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है किसी भी कंपोस्ट के लिए, तो वो वर्मी कंपोस्ट में एक बैलेंस्ड है 15.5:1, जबकि फार्मयार्ड मैन्योर में यह 31:1 है, अर्थात वाइडर सी एंड एन रेशियो है। इस केमिकल ग्राउंड से भी हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि वर्मी कंपोस्ट इस पर खरा है। तो वर्मी कंपोस्ट दोनों चीज पे खरा है, केमिकली भी और माइक्रोबायोलॉजिकली भी और इकोलॉजिकली भी। इस प्रकार यह इसका महत्व हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको हमारा कोर्स का कंटेंट और भी अच्छा और यूजफुल लगेगा। इस कोर्स की बाकी वीडियोस देखने के लिए www.rocketskills.in पर जाएं और हमारे कोर्स में ज़रूर एनरोल करें। लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जिस पर क्लिक करके आप कोर्स के पेज पे पहुंच जाएंगे और वहाँ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें और सारी वीडियोज़ आपको हमारी सबसे पहले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।